कियानी गांव में पिछले 5 दिनों से बिजली सप्लाई ठप। भारी बारिश से तहस नहस हुआ था बिजली का ढांचा। ग्रामीणों की फरियाद का संज्ञान नहीं ले रहे अधिकारी। मुगल रोड पर 7 घंटों के बाद बहाल हुआ यातायात। रत्नाछम में बार बार पहाड़ तरकने से लोग परेशान। समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया पुंछ प्रशासन। और तरनाहा पुल मामले की जांच अभी नहीं हो पाई शुरू। अभी तक किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं की गई तय। भारी बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था तरनाहा पुल। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको सांबा लिए चलते हैं। और जिला सांबा में 5 दिन पहले हुई जोरदार बारिश, यहां नड ब्लॉक के कियानी गांव में ट्रांसफार्मर और जो पोल्स हैं वो गिरने की वजह से बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप हुई थी और बहाल आज तक नहीं हो पाई है। ग्रामीणों के मुताबिक बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अधिकारी उन्हें सिवाय आश्वासनों के कुछ नहीं दे पाए हैं। प्रशासन की इस अनदेखी से गुस्साए ग्रामीण अब सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। इलाके में करीब 25 घरों में बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे खासतौर पर बुजुर्गों बच्चों को बेहद कठिनाइयां झेलनी पड़ रही हैं। तो साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से वहां पर एक बड़ी मुसीबत लोगों पर खड़ी हो गई है, क्योंकि ट्रांसफार्मर गिरने की वजह से, बिजली के पोल गिरने की वजह से काफी परेशानी लोगों को यहां पर झेलनी पड़ रही है। पिछले 5 दिनों से बिजली सप्लाई ठप है और जाहिर तौर पर समझिए कि अगर बिजली सप्लाई ठप है तो रोजमर्रा का काम वो किस तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि बिजली के बिना आप अपने घर का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पानी की सप्लाई भी है तो वो बिजली की मदद से होगी। बच्चों को पढ़ाई करनी है तो बिजली की मदद से, बुजुर्गों के लिए यहां पर पंखा या एसी चलाना है तो भी बिजली की मदद से। लेकिन इस बीच में बिजली अगर पिछले 5 दिनों से बाधित है, ठप है, तो जाहिर तौर पर बच्चों को, बुजुर्गों को और घर के सारे काम को मद्देनजर रखते हुए परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहते हैं, पिछले 5 दिनों से बिजली का ढांचा पूरी तरह से चरमराया ही है, क्योंकि बिजली ही ठप पड़ी हुई है, क्यों इस पर अभी तक काम नहीं किया गया? आपको बता दूं कि 3 से 4 दिन पहले जो भारी बारिश हुई थी, पूरे जम्मू संभाग की अगर बात करें तो सांबा जिला भी काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। पहाड़ी इलाके काफी ज्यादा चपेट में आए बाढ़ के कारण। और अगर नट ब्लॉक की बात करें तो नट ब्लॉक का ये जो कैनी गांव है, यहां से बताया जा रहा है कि 20 से 25 घर हैं इस गांव में, वो पूरी तरह से जो है वो काफी ज्यादा इस समय यहां के लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं कि बिजली का ढांचा जो है वो पिछले 3 से 4 दिन पहले चरमरा गया, आज पांचवा दिन जो वो हो चला है, लेकिन बिजली की आपूर्ति जो पूरी तरह से ठप है। वो ठप होने का कारण यही है कि जिस तरह से सड़क के बीचों बीच ये जो बिजली का ढांचा गिर गया है, ट्रांसफार्मर जो वो पोल समेत तारों समेत गिर जाता है, लेकिन इसके बाद जो इसकी मरम्मत का काम है वो अभी तक जो वो इतने ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी जो हमें अपडेट मिल पा रही है, जब हम खबर आपको दिखा रहे हैं, यहां से इस ढांचे को उठा तो लिया गया है, लेकिन अभी तक बिजली की आपूर्ति जो उसे बहाल नहीं किया गया। और ये सुनने में आ रहा है कि शायद अभी कल तक जो यहां पर बिजली आएगी, यानी कल अगर बिजली आती है तो 6 दिनों के बाद यहां पर बिजली आएगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां के लोग कितनी ज्यादा परेशानियों का सामना करना जो वो कर रहे हैं। ना तो उनके घर के चूल्हे चल पा रहे हैं, ना उनके कोई काम हो पा रहे हैं। कल से स्कूल लगेंगे, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई सफर होगी, और कहीं ना कहीं ये तमाम ढांचा जो वो चरमरा चुका है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने फरवरी 2022 की बात करें तो 24 घंटे बिजली 2021-22 से 2024-25 तक देने की बात कही गई थी। क्या लगता है कि वो जो नारा यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाया गया था उस पर काम हो रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रशासन ने ये दावा तो किया था कि बिजली की आपूर्ति जो वो 24 घंटे आपको मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसे इलाके हैं जो प्रभावित होते हैं, वो चाहे इस तरह के नेचुरल कैलामिटी से कह लीजिए या अगर बिजली विभाग की नेग्लिजेंसी के आधार पर कह लीजिए। तो ये जो नड ब्लॉक है, ये जो कैनी गाँव है, ये छोटा सा गाँव है, ये काफी ज्यादा इस समय प्रभावित हुआ है। और हमें जो जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये है कि जो जहाँ ठेकेदार ने इसका काम किया था, जब इसकी इंस्टॉलेशन की थी इस पूरे ढांचे की, तो क्या कुछ उसने क्राइटेरिया ध्यान में रखा। एक चीज
और जिस तरह से काम किया गया, ये कहा जा रहा है कि एक साल पहले ही इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो की गई थी, एक साल के भीतर ही जो इतनी सी बारिश हुई है उसमें ये तहस नहस हो जाता है, और बिजली विभाग जो वो अलग अलग अपने तर्क देता नजर आ रहा है, यानी टाल मटोल उनकी तरफ से किया जा रहा है। लोग तो ये भी मन बना रहे हैं कि हम यहाँ पर आकर प्रदर्शन करेंगे, सड़क जाम करेंगे, बिजली विभाग को जो वो चेताने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर प्रशासन को चेताने की कोशिश करेंगे। बिजली विभाग के पास पूरी तरह से अमला नहीं है काम करने के लिए, नई भर्ती करने की जरूरत है, क्योंकि पीडीडी के अंदर जो डेली वेजर्स थे उन्हें राहत जरूर दी गई थी, लेकिन वो भी कह रहे थे कि जो बात कही गई थी वो जमीनी सतह तक पहुंची नहीं। मैन पावर की जरूरत है आपने। बिल्कुल बिल्कुल, मैन पावर की काफी ज्यादा जरूरत है, और एक तरफ डेली वेजर्स जो वो लगातार यहाँ सड़कों पर हमें दिखते हैं, और इनके पास दूसरा विकल्प नहीं है। अगर विकल्प है तो इतनी ज्यादा मैन पावर नहीं है, कई इलाके आज भी आप देख सकते हैं कि प्रभावित हैं। हालांकि अगर बारिश की बात करें तो हर बार ये ऐसा रहता है कि कई इलाके प्रभावित होते हैं, नुकसान काफी ज्यादा होता है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई जो वो करने की जरूरत रहती है, वो नुकसान की भरपाई काफी ज्यादा लेट होती है, लोगों को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है, और ये बिजली का ढांचा, ये मेन मूलभूत सुविधा है बिजली, जिसके बिना आप लोग कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। और आज अंदाजा लगाइए कि पांचवा दिन हो चला है कैने गांव के लोग जो सफर कर रहे हैं, और उम्मीद की किरण को यह बनाई गई है विभाग की तरफ से कि कल तक जो बिजली की सप्लाई को यहां सुचारू किया जाएगा। आप देखना यह कि अगर कल नहीं होगी तो लोगों ने जो अपना मन बनाया कि यहां पर प्रदर्शन करेंगे तो वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे, कोई और ऐसी अमिस अपनी होगी जिसको लेकर प्रशासन की जिम्मेवारी बन जाएगी, तो ये कहीं ना कहीं इन चीजों को दुरुस्त करने की काफी ज्यादा जरूरत है। वो तो कल ही पता चलेगा कि वाकई में बिजली के ढांचे को सुधारा जाता है या नहीं, लोगों को बिजली फराहम कराई जाएगी या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जिला सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से करना इलाका है जहां पर बिजली सप्लाई पूरी तरह से ठप है, रोजमर्रा का काम लोग नहीं कर पा रहे हैं। 2022 में एक बड़ी बात जरूर कही गई थी कि 21-22 से लेकर यहां पर आप देखिए 23-24 और 25 तक ये बात सामने रखी गई थी कि लोगों को 24 घंटे बिजली फराहम कराई जाएगी, लेकिन 24 घंटे तो दूर, जहां पर इस वक्त ढांचा जो है वो चरमराया हुआ है, बिजली ठप है, वहां पर उसे दुरुस्त करने की जरूरत है। कल तक का समय दिया गया है, अब देखना यह होगा कि आम जनता इस पर किस तरह से रोष व्यक्त करती है, क्योंकि वो सड़क पर उतरने की चेतावनी जारी कर चुकी है और प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि कल तक बिजली बहाल हो जाएगी। आगे बढ़ जाते हैं, करीब 7 घंटों तक बंद रहने के बाद ऐतिहासिक मुगल रोड यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो मुगल रोड पर रत्ताछम इलाका है जहां पर बार बार पहाड़ धड़कने से यातायात इस पर बाधित हो जाता है, और लोगों की माने तो पुंछ प्रशासन इस समस्या से समाधान को लेकर कोई भी काम करता नजर नहीं आया, क्योंकि समाधान के लिए कोई भी पुख्ता कदम नहीं उठाया गया है। मुगल रोड पर बार बार यातायात रुकने से खासतौर पर मरीजों और उनके तीमारदारों को श्रीनगर अस्पताल पहुंचने में दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। आखिर रत्ताछम को लेकर प्रशासन क्यों यहां पर कोई काम नहीं कर रहा है, इस पर आप देखिए नजर हर किसी की बनी हुई है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुरनकोट से, जहां पर लंबी लंबी कतारें मुगल रोड पर लगी हुई है, लेकिन फिलहाल इस वक्त खबर यह है कि मुगल रोड पर 7 घंटों से यातायात बाधित हुआ है। अभी तक यातायात को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाया गया है या नहीं, इस पर जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि राजौरी और पुंछ के लोगों की ये पुरानी मांग रही है कि इस रास्ते को 12 महीने के लिए खोला जाए और इस रास्ते पर टनल बनाया जाए। लेकिन उसके साथ ही नितिन गडकरी जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि मुगल रोड पर टनल बनाया जाएगा, जल्द ही कनेक्टिविटी यहां पर करने की कोशिश की जाएगी। और कल ही आपने देखा था कि डीसी पुंछ की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया कि मोबाइल कनेक्टिविटी को भी यहां पर बहाल करने की कोशिश होगी। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए आकाश मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, पिछले 7 घंटों से यातायात बाधित है, कहां तक काम पहुंचा है प्रशासन का? जी आशा, मैं आपको बताता चलूं, तो पीर पंजाल को जोड़ने वाली मशहूर सड़क मुगल शाहरा जो सुबह 4 बजे से ही बंद थी, और 11 बजे के करीब जो है इस रोड को जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए भी खोल दिया गया। सबसे बड़ी वजह यह है, लोगों का ये कहना है कि ये जो पीर पंजाल के एरिया है इसको तो सबसे पहले 12 महीने खुला रखना चाहिए। और बात करें रत्ताछम की, पिछले 1.5 या 2 महीने से ये जो लैंडस्लाइड है, हर दिन 1 से 2 घंटे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, चाहे वो सुरनकोट की तरफ से जाने वाले लोग हों, चाहे वो श्रीनगर से आने वाले लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस मौके पर ये लैंडस्लाइड है, पूरी लैंडस्लाइड क्लियर नहीं की गई, थोड़ा सा एक रास्ता बनाया गया है, जिसकी वजह से जब भी बारिश होती है, मौसम खराब होता है, बड़ी लैंडस्लाइड आती है या शूटिंग स्टोन होता है, जिसकी वजह से दोनों तरफा जो है ट्रैफिक को जो है रोक दिया जाता है। जी आशा, लेकिन आकाश एक और बड़ी सवाल यहाँ पर करने वाली बात ये थी
कि जिस तरह से नितिन गडकरी भी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि इस रोड पर टनल बनाया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी को जोड़ा जा सके, क्योंकि इस रास्ते का ज्यादातर इस्तेमाल मरीज ही करते हैं। राजौरी और पुंछ से जो लोग जम्मू नहीं पहुंच पाते हैं जल्दी, वो राजौरी और पुंछ के रास्ते से मुगल रोड से होते हुए, शोपिया के रास्ते से होते हुए श्रीनगर पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी। क्या लगता है कि कुछ काम यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जल्द ही शुरू किया जा सकता है, जिस तरह से ऐलान किया गया था? हाँ जी, इस हवाले से बात है। मेरी एक्सीएन मुगल रोड से भी बात हुई थी इस टनल को लेके, क्योंकि काफी सारे लोगों की मांग थी कि नितिन गडकरी जब जम्मू आए थे उन्हें एक बड़ा ऐलान किया था, इस टनल को बनाने की बात भी कही गई थी, लेकिन अभी तक काम नहीं शुरू हुआ। एक्सीएन मुगल रोड की तरफ से कहा गया कि डीपीआर बन रहा है, आने वाले कुछ ही महीनों के बाद जो है इस टनल का काम भी शुरू होगा। जी आशा, जिस तरह से डीसी पुंछ की तरफ से एक ऐलान किया गया कि यहाँ पर इस रास्ते पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से कोई हादसा हो जाता है, पिछले दिनों आपने देखा कि एक हादसा हुआ जिसमें एक ऑफिसर की जान चली गई, उनका पूरा परिवार इस घटना का शिकार हो गया, उसके बाद इस पर संज्ञान जरूर लिया गया, लेकिन क्या लगता है कि सिर्फ मोबाइल कनेक्टिविटी से सब कुछ होने वाला है या फिर रास्ते का भी सुधार करने की जरूरत है? जी हाँ, रास्ते का भी सुधार करने की भी जरूरत है। डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने कहा है कि आने वाले दो दिन में नेटवर्क जो बहाल हो जाएगा, टावर जो है एक लगा दिया गया, आने वाले दो दिन में नेटवर्क भी बहाल किया जाएगा। वहीं पे लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि ट्रामा हॉस्पिटल की मांग पिछले कई सालों से जो है इस रोड पे की जा रही है। अगर यहाँ पे ट्रामा हॉस्पिटल होता तो उस दिन जो वहां से जो पेशेंट्स थे वो बच भी सकते थे, लेकिन लोगों की इस वक्त बड़ी मांग जो है ट्रामा हॉस्पिटल, उसके साथ साथ टनल की मांग की जा रही है कि अगर ये टनल होता तो 12 महीने ये रोड खुली रहेगी। जी, एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची और निकलने का समय नहीं दिया गया, ज्यादा तौर पर वहां रश काफी हो चुका था, लंबी लंबी कतारें गाड़ियों की लग चुकी थी, जिसकी वजह से आपने देखा था कि परेशानी वहां पर झेलनी पड़ी। लेकिन खैर, अगर इस पर जल्द से काम शुरू होता है तो लोगों को राहत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि पुंछ से ही आकाश मलिक सुरनकोट से पूरी तरह अपडेट कर रहे थे कि मुगल रोड पर किस तरह से हालात जो है वो बने हुए हैं, लेकिन मुकम्मल तरीके से इस रास्ते को लेकर हर बार सियासत होती रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी, वोट बैंक के तौर पर भी इस रास्ते को देखा गया है। लेकिन अब देखना यह होगा कि जिस तरह से नितिन गडकरी की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया कि इस रास्ते पर टनल बनाया जाएगा और कनेक्टिविटी को 12 महीने के लिए खोला जाएगा, क्योंकि अगर 12 महीने के लिए इस रास्ते को खोला जाता है तो जाहिर तौर पर राजौरी और पुंछ के लोग व्यापार कर सकते हैं, रोजगार के लिए यहां पर जा सकते हैं, कश्मीर तक पहुंच सकते हैं, मरीजों को भी यहां पर परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि मरीज जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचेंगे, इलाज मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अब जम्मू पठानकोट हाईवे पर पिछले कुछ दिनों से कठुआ में आप देखिए तरहा पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से मामले की जांच की मांग उठी थी, लेकिन अभी तक इसकी जांच शुरू नहीं हो पाई है। तरहा नाले में बाढ़ आने से करीब 10 साल पहले बना हुआ ये पुल बैठ गया था, जिससे यहां पर यातायात बुरी तरह से प्रभावित होकर रह गया। अभी तक ना तो कठुआ प्रशासन और ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी लापरवाही की जिम्मेदारी तय कर पाई है, जिससे चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो रहा है। और साथ ही आपको ये बताते चले कि महज अभी कुछ ही समय हुआ है इस पुल को बनकर तैयार हुए और इतनी जल्दी इसमें दरारें आना कई तरह के सवाल या निशान खड़ा कर रहा है कि आखिर काम किस तरह से किया गया, और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से अगर काम किया गया है तो फिर जिम्मेदारी अभी तक तय क्यों नहीं हो पाई है। और उससे भी बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अगर जांच की बात कही गई थी तो टीम का गठन क्यों नहीं हुआ और अभी तक टीम वो काम करती नजर क्यों नहीं आई। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए रंजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीव, आपसे जानना चाहेंगे, जांच करवाने की बात कही गई थी क्योंकि समय से पहले ही आप देखिए पुल किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, आखिर वो टीम गठित क्यों नहीं की गई और जांच की शुरुआत अभी तक क्यों नहीं हुई? ये जो करोड़ों रुपए का पुल था जो जम्मू कश्मीर की लाइफ है, ये एकमात्र नेशनल हाईवे नंबर 45 पर बना है, जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर को बाहरी राज्यों से आने वाला ट्रैफिक जो है गुजरता है, और क्षतिग्रस्त पांचवा दिन है, लेकिन अभी तक किसी की जिम्मेदारी जो है प्रशासन की तरफ से फिक्स नहीं की, जम्मू कश्मीर प्रशासन से अभी तक इसको लेकर कोई जांच समिति नहीं बनाई गई। आगे कोई भी कार्यक्रम होता है या कोई भी हादसा होता है कम से टीम का गठन किया जाता है, उसकी इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है। पता नहीं क्यों इस पुल के क्षतिग्रस्त होने पर अभी तक किसी भी टीम का गठन नहीं किया गया, कोई इंक्वायरी इनिशिएट नहीं की, किसी की जिम्मेवारी तय नहीं हुई, तो इतना करोड़ों का पुल किस तरह धराशायी हुआ, ये बात है ये आम लोगों में चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय जो लोग हैं, 10 साल हुए हैं अभी इस पुल को बने हुए, बिल्कुल बिल्कुल 13 साल हुए इस तरह से घटनाएं, क्या लगता है सही से काम नहीं किया गया था, मटेरियल का सही इस्तेमाल नहीं किया गया,
जिसकी वजह से दरारें वहां पर आ गई, और दूसरा माइनिंग के साथ भी इसको जोड़कर देखा जा सकता है क्या, क्योंकि लोगों की तरफ से आरोप तो ये भी लग रहे हैं। अच्छा, इसको इस पुल को बनने पे 2010 में ये बनकर तैयार हुआ था, जब फोर लेन का काम जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ था इस लाइन पर, तब ये इस पुल का निर्माण हुआ था। इस पुल के टूटने का मुख्य कारण ये है कि जो निर्माण कंपनी दूसरा नया जो पुराना पुल था उसको ध्वस्त करके नया पुल बना रही थी, और सारा पानी जो था 540 मीटर लंबा पुल होने की वजह से इसका सारा पानी 50 मीटर में डाइवर्ट कर दिया गया, जो एक बड़ी एक गलती मानी जा रही है इंजीनियर्स की, जो जो काम कर रहे थे। लोगों का कहना है कि अगर पानी को सही तरीके से डाइवर्ट किया होता और जो पुल की जो प्रोटेक्शन वाल्स है उनको क्षतिग्रस्त नहीं किया गया होता तो आज शायद ये पुल ना बहता, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल सही लगा था उस टाइम का। 13 साल पुल चला है, इतने समय में कुछ नहीं हुआ। जब इससे साथ वाला पुल ध्वस्त करके वहां पर नया पुल बनाने के लिए खुदाई की गई और उसकी खुदाई के ऊपर ये पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जिसके जो पिलर है वो पूरी तरह से हिल गए और ये पुल ऊपर से धस गया, जिसके कारण आज लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों 2 से 3 घंटे तक लोग जाम में फंसे हुए हैं। बॉर्डर एरिया से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, लेकिन बड़े बड़े अधिकारियों ने इस जगह पर डीएम से लेकर डिपकॉम का भी कार्यक्रम था, लेकिन बड़े बड़े नेशनल हाईवे अथॉरिटी के क्षेत्रीय निदेशक तक ने इस पुल का के ऊपर से अपना दौरा किया, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से ड्यूटी प्रशासन की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का कोई जिम्मेवारी किसी। लेकिन अंजीव, कारण क्या है कि चुप्पी साधी गई है, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है? वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है कि लोग तो कह रहे हैं कि परेशानी वहां पर भी झेलनी पड़ रही है, संकरा रास्ता है, ज्यादातर गाड़ियां वहां से जा रही हैं, नेशनल हाईवे का इस्तेमाल उसी रोड से हो रहा है, एक तरफ अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, भारी रश है इस बार जम्मू कश्मीर में। अच्छा, जो वैकल्पिक मार्ग की बात कर रहे हैं वो अभी निर्माणाधीन है, जो तरना नाले के बीचों बीच बनाने की बात जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इंजीनियरों ने 2-3 दिन पहले कही थी, लेकिन जो ट्रैफिक है वो बॉर्डर रूट से डाइवर्ट किया है। संकरा रोड है, जो छोटे पुल है जहाँ वहां पर काफी ट्रैफिक होने की वजह से वो इतना इतनी ट्रैफिक का लोड वहन नहीं कर सकता, जिसके कारण आए दिन वहां पर भी एक्सीडेंट हो गए हैं, होना शुरू हो चुके हैं। आज भी अभी थोड़ी देर पहले एक एक्सीडेंट हुआ है, और 2 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें भी एक व्यक्ति की जान जो है वो गई थी। तो इस तरह से जो हादसे जो है वो लगातार बॉर्डर एरिया में भी बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसके चलते ये जो पुल का निर्माण कार्य है अभी इसको 6-7 महीने का बनाने का, जो इसके ऊपर से गाड़ियां गुजरने की जो बात जो 2 दिन पहले क्षेत्रीय प्रबंधक जो थे इनके नेशनल हाईवे अथॉरिटी के उन्होंने कही थी, लेकिन 1 महीने में वैकल्पिक मार्ग, अभी 1.5 महीना बचा है बरसात को, जैसे ही इन्होंने छोटी छोटी पुलियां डाली हैं, अगर ज्यादा पानी आया तो वो पुलियां बहना लाजमी है और लोगों के लिए मुश्किल। रंजीव, आपको नहीं लगता है कि जिन लोगों ने इस पर काम किया है, जो इंजीनियर विंग था या फिर जिन लोगों ने भी इस पुल को बनाने में अपना योगदान दिया है, उन पर कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की जरूरत है कि जब आपको काम करना था तो सही से करना था, वरना जिस तरह से अब ये 10 सालों में ही क्षतिग्रस्त हो गया है तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कार्रवाई की जरूरत है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझने वाली ये है कि ये जो पुल का निर्माण किया था ये 12-13 साल पहले हुआ था, लेकिन अभी जो पुल जो इसके साथ वाला था उसको तोड़ा और इसके सामने वाले पिलर के सामने जो है एक बड़ी खुदाई जो हुई है, जिसके कारण जो इसके पिलर जो धसे हैं, क्योंकि जो जिम्मेवारी तय होनी है जो मौजूदा कंपनी है जो इसका दूसरे नए पुल का निर्माण कर रही है पुराने पुल को तोड़कर, उस पर आयत होती है, लेकिन अभी तक पता नहीं क्यों किसी भी प्रकार की इंक्वायरी इनिशिएट नहीं हुई है, ना ही जिम्मेवारी फिक्स हुई है और ना ही कोई टीम का गठन हुआ है कि कोई इंक्वायरी इस पर बनाई जाए, क्योंकि बड़ा हादसा जो हुआ है जम्मू कश्मीर के लिए हुआ है, क्योंकि कश्मीर से लेकर लेह लद्दाख तक जाने वाली सारी गाड़ियां इसी पुल से जो है। रंजीव, जब किसी भी बनी हुई चीज के पास आप खुदाई करते हैं तो कुछ डिस्टेंस आपको मेंटेन करना होता है, उस पर क्या ध्यान नहीं दिया गया था? हाँ बिल्कुल, जो कोई भी खुदाई करनी है, अगर कोई पुल बनाना है तो एक जो पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है उसको मेंटेन करना होता है, इसमें सारे जो नियम कानून थे उनको ताक पर रखकर काम किया गया। बड़ा कैजुअल अप्रोच रही इन इंजीनियर्स की, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो मौजूदा समय में कंपनी काम कर रही है उनके साथ, क्योंकि इंजीनियरों का वहां पे आना जाना लगा हुआ है, लेकिन
वहां पर काफी कैजुअल अप्रोच होने के कारण भी ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, क्योंकि इनको एहसास नहीं था, क्योंकि ये बाहर की कंपनी है, इनको एहसास नहीं था कि तना नाले में भी इतनी बाढ़ जो है वो एकदम से आ जाएगी। किसी आला अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है रंजीव की कब तक इंक्वायरी हो जाएगी और कब तक इसकी मरम्मत का भी काम शुरू कर दिया जाएगा, लोगों को किस तरह से लाभ दिया जाएगा? अभी तक मेरी मैंने डीसी कठुआ से बात करने की कोशिश की अभी इस बुलेटिन से पहले, तो उन्होंने उनके साथ अभी तक फोन पर मेरा रास्ता नहीं हो पाया है, और जैसे ही रास्ता होगा, जैसे ही कोई होगी तो चलिए रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा रंजीत मेहता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जो कठुआ से अपडेट कर रहे हैं कि किस तरह से जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगातार यातायात बाधित था, लेकिन वैकल्पिक मार्ग से यातायात को डाइवर्ट किया गया है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि जांच कमेटी अभी तक गठित क्यों नहीं की गई है और पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, इसकी मरम्मत को मद्देनजर रखते हुए कदम क्यों नहीं उठाया गया है, जो एक बड़ा सवाल है। आगे बढ़ जाते हैं, जम्मू पठानकोट हाईवे पर कठुआ जिले में तरणहा पुल के क्षतिग्रस्त होने से कठुआ रूट की जो बस है, बस चालक के लिए काफी तरीके से मुसीबत बन गई है। तो पुल के क्षतिग्रस्त होने की वजह से कठुआ जाने वाला और आने वाला कोई भी शख्स है उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है और ट्रैफिक को बॉर्डर रोड पर डाइवर्ट कर दिए जाने से वहां पर भारी जैम लग रहा है और जिससे बस चालकों को कठुआ से जम्मू आने और जम्मू से कठुआ जाने में करीब 4 घंटों का समय लग रहा है। तो जम्मू कठुआ यहाँ पर पैसेंजर बस जो है अपनी सर्विस दे रही है, तो बस सर्विस के जितने भी यूनियन है और यूनियन ने अब अपनी समस्या को मद्देनजर रखते हुए भारी मालवाहक वाहनों का टाइम टेबल तय करने और तरणहा पुल भी मरम्मत करने के लिए यहाँ पर बात कह दी है कि जल्द से जल्द टोल टैक्स जो है वो सबसे पहले माफ किया जाए, क्योंकि रास्ते का कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। और यूनियन ने यहाँ मालवाहक वाहनों का समय जो है वो सुबह 7 बजे तक रखा जाए, इस तरह से बात कह दी है, और शाम को 8 बजे के बाद इसे बहाल किया जाए, यानी कि जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके फिलहाल आवाजाही पर रोक लगा दी जाए। इस तरह से जो बस चालक यूनियन है वो आरोप लगा रही है और एक बड़ी मांग सामने रख रही है कि कर्फ्यू परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है, 4 घंटे का समय लग रहा है जम्मू से कठुआ और कठुआ से जम्मू पहुंचने में। तो फिलहाल इस पर प्रशासन को गौर फरमाने की जरूरत है, अब देखना होगा कि क्या कुछ नतीजे निकल कर आएंगे। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि ये जो ट्रक जो हैं, बड़े ट्रक जो हैं, ये इनका कुछ टाइम मतलब कि फिक्स किया जाए ताकि ये अपने मतलब कि सुबह 7 बजे के पहले निकल जाएं और शाम को 8 बजे के बाद छोड़े जाएंगे, ताकि मतलब कि जो रूट जो है बहुत कंजस्टेड रूट है, बहुत मतलब कि छोटा रूट है, बहुत सिंगल रूट है, जो जिसकी वजह से ट्रकों की वजह से जाम लग जाता है। तो ये मतलब कि अपने टाइम के मुताबिक ही चलें, शाम को 8 बजे के बाद छोड़े जाएं और सुबह जो है वो मतलब 7 बजे के पहले इनको बंद किया जाए। हम जाम की प्रॉब्लम आ रही है, बड़ी परेशानी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थे, रास्ता सिंगल है, तो जब टर्निंग लेती हैं तो वहाँ पे जाम पूरा दिन, इधर से 7 बजे चलो तो 12-1 बजे कठुआ पहुँचते हैं, नंबर मिस हो जाते हैं, गाड़ी 2 दिन में एक ही चक्कर लगाती है, तो उसमें तेल भी पूरा नहीं होता, हम दिहाड़ी भी कुछ नहीं। जी हाँ जी, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान वही नुकसान, हमारी दिहाड़ी मालिक को परेशान, तेल भी कोई कोई केटिव का तेल भी पूरा नहीं हो रहा, बस परेशानी परेशानी है। 1000 रुपये का गाड़ी था, डीजल एक्स्ट्रा खा रही है और फिर रूट अलग खराब हो रहा है, ऐसे पैसे भी कम और बचत भी कोई नहीं, मालिक बोल रहे। तो पुंछ जिले की मंडी तहसील में स्थित बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो यहां पर सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। ये यात्रा इस बार 17 अगस्त को शुरू होने जा रही है, जिसका समापन 28 अगस्त को होगा। इस यात्रा में जम्मू सूबे के श्रद्धालुओं के साथ साथ देश के अन्य राज्यों से श्रद्धालु भी शीश नवाने पहुंच रहे हैं, जिनकी सुविधा के लिए मंदिर कमेटी ने पुंछ प्रशासन के साथ मिलकर सभी इंतजाम कर लिए हैं। इन इंतजामों पर जानकारी के लिए पुंछ से भी हमारे जो संवाददाता है, लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चलें कि ये वार्षिक यात्रा की हर कोई बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार करता है, क्योंकि बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा 17 अगस्त को शुरू की जा रही है और कल की बात की जाए तो एडीजीपी की तरफ से भी पूरी तरह वहां पर जायजा लिया गया कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की जाएगी, तैयारियों का क्या कुछ वहां पर रूप जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल मंदिर कमेटी की तरफ से किस तरह से तैयारियां की गई हैं, कामकाज को मद्देनजर रखते हुए पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर साल अगस्त महीने में बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा यहां पर करवाई जाती है और
पंडितों का ये मानना है कि जब तक आप बाबा बुड्ढा अमरनाथ जी की यात्रा नहीं करते हैं, आपकी अमरनाथ की जो यात्रा है वो सफल नहीं हो पाती है। तो फिलहाल बुड्ढा अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो 17 अगस्त को शुरू होने जा रही है। सनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल आशा, आपको बता दूं कि 17 अगस्त से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। और आपको बता दूं कि बूढ़ा अमरनाथ जो है यात्रा जो है ये 5 अगस्त तक जो है, और हर साल हम देखते हैं कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा जो है जब पहुंचती है उसकी दर्शन के लिए बढ़ चढ़ कर लोग जो है वो हिस्सा लेते हैं। और वही बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो है वो देखा जा रहा है, इस बार भी से पहले ही देखा जा रहा है कि बढ़ चढ़ कर जो है वो यात्री जो है बाबा बूढ़ा अमरनाथ में जो है दर्शनों के खेत पहुंचते हैं। और आपको बता दूं कि इस समय तक जो है 20,000 के लगभग जो है यात्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ में पहुंच चुके हैं और दर्शन जो शुरू कर चुके हैं। एक तो सावन का महीना है, सावन में हम देखते हैं कि यात्रीगण जो है वो बाबा बूढ़ा अमरनाथ पहुंचे हैं। और आज भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो है भक्तजन बाबा बूढ़ा अमरनाथ में पहुंचे हुए हैं। और कमेटी की तरफ से इस बार कड़े बंदोबस्त जो है बाबा अमरनाथ मंदिर में जो है वो श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। आपको बता दें आशा के जब भी बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन करने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जिस तरह से बताया गया है कि जब भी यात्रीगण बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं उसके बाद बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए आते हैं। और इस बार देखा है कि 17 अगस्त से पहले पहले ही बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा के लिए बड़े श्रद्धालु हैं। सनी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल पुंछ से सनी हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से 17 अगस्त को ये यात्रा शुरू हो जाएगी और 28 अगस्त को खत्म कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल प्रशासन ने कमर कस ली है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ जी की जो यात्रा है उसे किस तरह से सफल बनाया जाए। अब देखना ये होगा कि कितने श्रद्धालु यहां तक पहुंचते हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।